go! Let's go! यहाँ पे पूजा की प्रिपरेशन चल रही है, पंडित जी पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं, भगवान जी की भी स्थापना हो चुकी है और बाकी लोग गेस्ट के बैठने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि हवन है तो सभी लोगों को नीचे बैठना है, तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें की जा रही हैं। फिर मौसी और वीकू नाना को मिस कर रहे हैं, वो नाना के फ़ोटोज़ को लेके बैठे हुए हैं और उनको प्यार कर रहे हैं। हमारे घर जब भी कोई फंक्शन होता है हम पापा को बहुत मिस करते हैं। स्टार्ट होने वाली है, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, सारे गेस्ट आ चुके हैं, तो हम भी पूजा में बैठते हैं। यहाँ पे हवन के लिए हवन कुंड को तैयार किया जा रहा है, उसमें आम की लकड़ी रखी जा रही है, उसमें अग्नि जलाई जाएगी और उसके बाद सभी लोग उसमें आहुति देंगे और भगवान जी का ध्यान लगाएंगे। पूजा समाप्त हो चुकी है और सभी लोग अब आरती ले रहे हैं और वीकू भी आरती ले रहा है जी। यहाँ पे सभी लोगों को प्रसाद दे रहे थे, तो वीकू भी अपना प्रसाद लेने के लिए पंडित जी के पास गया है। यहाँ पे भंडारे के लिए खाना बन रहा है, मम्मी अग्नि देवता की पूजा कर रही है, उन्हें भोग लगा रही है और गरम गरम पूरी बन के तैयार हो चुकी है। सारा खाना बन चुका है, रेडी है। जब ये खाना लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि खाने में क्या क्या है और हम लोगों ने क्या क्या बनवाया है। यहाँ पे सभी लोग खाना लगाने की तैयारी कर रहे हैं कि सभी ये आलू की सब्जी है और दूसरी जो सब्जी है वो कद्दू की है, सीताफल काशीफल आप कुछ भी बोल सकते हो। और ये हलवा है सूजी का और पूड़िया है और रायता। गाय माता को खाना खिला रहे हैं, अग्नि देवता के बाद सबसे पहले गाय माता को खाना खिलाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे ब्राह्मण भोज हो रहा है
और उसके बाद बाकी घर के सभी लोग खाना खाएंगे और बाकी लोग खाना खाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मॉमी एंड जीजू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।